नमस्कार दोस्तों, तपस्या एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं विवेक सर, आपको लास्ट में जो हम लोग जिस वीडियो में लास्ट वीडियो में जो बात कर रहे थे, काउंटिंग ऑफ जीरो या संख्या के अंत में जीरो कितने होंगे, ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। उसी में हमने ये लोग क्वेश्चन लास्ट वाले वीडियो में लिया था, शायद इस टाइप का कि अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, कॉन्सेप्ट उसमें डिस्कस ही हो गया था उस वीडियो में सारा, और अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए 1 × 2 × 3 up to 500, तो इसमें कहा जाए संख्या के लास्ट में कितने शून्य होंगे, यानी ट्रेलिंग जीरो पूछा जा रहा कि जो संख्या इसमें अगर इन सबको मल्टीप्लाई किया जाए तो संख्या में कितने जीरो होंगे, और संख्या कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लगाकर ऑनवर्ड्स 500 तक जा रही, कोई भी बीच में मिसिंग नहीं है। तो इसमें दोस्तों हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस किया था कि जीरो जो देने वाली संख्याएं होती है, 2 × 5 का पेयर होता है। अब उस संख्या में यहाँ पर ये देखा जाएगा 2 × 5 के कितने पेयर बन रहे हैं, जितने पेयर होंगे उतने ही जीरो होंगे। तो हमने एक तरीका डिस्कस किया था। अब आप अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है 1 से लेकर 500 तक अगर संख्याएं लिखी हैं, तो इसमें आधी संख्याएं इवन होती हैं और आधी संख्याएं क्या होती है, ऑड होती हैं। यानी कि 1 से लगाकर 500 तक में 250 ऐसी संख्याएं जो इवन संख्याएं हैं, और इवन संख्याओं की बाय डिफिनेशन अगर बात किया जाए तो वे संख्याएं जो 2 से डिविजिबल होती हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। तो हर एक संख्या में दो तो है ही है, तो ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हमें देखना है यहाँ पर 5 कितने हैं। तो 5 देखने का हमने एक तरीका बताया था। अगर हम लोग उसकी बात करें जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 1 से लगाकर 500 तक में 10 10 की कितनी लाइन है, तो आराम से हम लोग कहेंगे 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, ऐसे अगर देखा जाए तो टोटल 50 लाइन है। तो 50 लाइन है, 50 × 2 यानी कि 100 तो कंफर्म है इसमें। लेकिन इसमें जिन एलिमेंट्स को हम लोगों ने बैड एलिमेंट्स का नाम दिया था वो क्या थे, 25, 50, 75 और 100। तो 100 तक ये 4 बैड एलिमेंट्स आए थे, लेकिन 500 तक बात जा रही है। तो यहाँ पर फिर अगला आएगा 125, फिर 150। इस तरीके से अगर इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो बहुत ही बड़ा और बड़ा ही कंफ्यूजिंग और हो सकता सॉल्व करने में दिक्कत है। तो इसके लिए एक और हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, क्या 5 ढूंढना है हमको। तो 500 ये जो लास्ट संख्या है उसको 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 100। 100 को 5 से डिवाइड कर दो कितना आएगा, 20। 20 को 5 से डिवाइड कर दो कितना आएगा, 4। तो कब तक डिवाइड करना है, जब तक ये संख्या इस संख्या से छोटी ना हो जाए, या फिर यूं कहें 4 को फिर 5 से डिवाइड कर दो तो ऊपर की संख्या छोटी है, उस केस में 4 ही आएगा। तो यहां पर अब जब तक डिवाइड करना है जब तक ये संख्या ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से छोटी ना हो जाए, और जहां पर ये संख्या छोटी हो जाएगी वहां से डिवाइड करना बंद करना है, और उस केस को इसमें काउंट भी नहीं करना है, चाहे ये बात कर लें या फिर ऐसे देख लें कि इस संख्या को इस संख्या से छोटा होना है। सबको जोड़ दीजिए, 100, 20, 120 और 4 124। तो यहाँ पर 124 जो आया है ये क्या आया है, ये 5 आए हैं, यानी कि 124 टाइम्स जो 5 है इसमें कितना है, 124 टाइम्स, यानी कि 5 जो है 124 बार हैं, और 2 की तो यहाँ कमी है ही नहीं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 124, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो कि हम लोग यहाँ तक लास्ट टर्न पे डिस्कस कर चुके थे। अब एक बात हम लोग जीरो थ्योरी में ये भी अगर देख लें, मान लिया जाए अगर लिखा है 5 फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं, अगर लिखा है 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर लिखा है 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1। मतलब जिस संख्या का फैक्टोरियल पूछा जा रहा है उस संख्या से शुरू है, और इसको कोई भी संख्या मिस ना करते हुए 1 तक आना है, ये मीनिंग होता है फैक्टोरियल का। अब अगर इसी मीनिंग के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन इसमें बना लिया जाए और ये पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि 10 फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन है कि लिखा है 10 फैक्टोरियल और इसमें पूछ दिया जाए कि संख्या के लास्ट में कितने जीरो होंगे, तो 10 फैक्टोरियल को अगर हम लोग क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 10 × 9 × 8 7 6 5 4 3 2 और 1। अब अगर इसी को जो हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में, अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार लास्ट वीडियो हमारा
खोल के देख लेना। तो हमने एक क्वेश्चन लिखा था, एक पहला ही क्वेश्चन था, 1 × 2 × 3 अप टू डॉट, ये 10 तक लिखा है। तो ये वही चीज़ तो लिखी है भाई, इसको उठा के पलट दिया तो ये वही चीज़ बन गई। तो 1 से लगाकर 10 तक की लाइन में हमने कितने जीरो बताए थे, तो आंसर कितना आया था, 2 जीरो, 2 जीरो, ये हमारा आंसर हो गया था। नंबर आप 0 कितने 2। तो 1 से लगाकर 10 तक में संख्या के लास्ट में कितने जीरो होते, 2 जीरो थे, यानी कि 10 फैक्टोरियल का मतलब है 1 to 10 अप टू डॉट 10 तक लिखते चले जाइए। और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 5, 2 और 5 के कितने पेयर होंगे, 1 तो एलिमेंट इसमें 5 आएगा जो कि 1 जीरो हो देगा, और 10 वाला एलिमेंट जो है, ये 10 वाली जो संख्या है वो अपने आप में ही 2 × 5 है, 2 और 5 का, तो 1 जीरो हमको 10 की वजह से मिलेगा। तो टोटल कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो हो जाएंगे। अब कोई भी क्वेश्चन इससे बना लीजिए, अगर लिखा है 20 फैक्टोरियल तो इसका मतलब क्या होता है, 1 × 2 अप टू डॉट 20। तो पूछा जा रहा है इस 20 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, तो 1 से लगाकर 20 तक जो लिखा है तो इसमें 10 10 की कितनी लाइन है, 10 10 की 2 लाइन है, और 1 10 की लाइन में 2 जीरो होते तो 2 10 की लाइन में कितने होंगे, 2 × 2 यानी कि 4 जीरो। ये सब क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन उसी टाइप का है, लेकिन इसको लैंग्वेज चेंज कर दी जाएगी अगर ऐसे पूछ दिया जाए। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ दिया जाए 50 फैक्टोरियल और इसमें कितने जीरो होंगे, तो 50 फैक्टोरियल का मतलब 1 × 2 अप टू डॉट 50 तक हम आनवर्स लिखते जाएंगे। तो अब अगर देखा जाए इसको, 1 50 10 10 की कितनी लाइन है, 5 लाइन है, तो 1 लाइन में 5 2 जीरो, तो 5 लाइन में 5 × 2 यानी 10 जीरो तो कंफर्म। अब यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा बैड एलिमेंट्स कितने हैं, क्योंकि इसमें 25 और 50 आ गया, 25 और 50 बैड एलिमेंट्स 2 आए, और 2 उस बैड एलिमेंट्स की वजह से हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके, 2 जीरो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 2 को इसमें ऐड कर देंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे, 12 जीरो हो जाएंगे। दोस्तों अगर इसी टाइप से क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाए, 50 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल, और कह दिया जाए संख्या के लास्ट में कितने जीरो होंगे, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 50 फैक्टोरियल का मतलब 1 × 2 अप टू डॉट 50 प्लस 100 फैक्टोरियल का मतलब 1 × 2 अप टू डॉट 100। अब इसमें जीरो 1 से लेकर 50 तक अभी हम लोगों ने काउंट किया, संख्या के लास्ट में कितने जीरो, 12 जीरो, और 1 से लेकर 100 तक में संख्या के लास्ट में कितने जीरो होते हैं, 24 जीरो। तो अब बात ये आती है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कि 24 और 12, ऐसा नहीं करना है कि 24 और 12 ऐड कर दिया। अब जरा देखो इसका मतलब क्या होता है, हाँ तो इसका मतलब दोस्तों कि अगर मान लिया जाए 12 और 24 को ऐड नहीं करना है, इसका ये जो 12 जीरो का मतलब ये लिखा क्या है, ये एक ऐसी संख्या लिखी है, यहाँ पर कुछ भी लिखा है, और यहाँ जो संख्या है 12 का मतलब है कि यहाँ पर संख्या जो भी हो और यहाँ पे कितने जीरो लगे हैं, ऐसे ऐसे करते 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 टोटली 12 जीरो लिखे, और प्लस ये एक संख्या लिखी है, कोई भी यहाँ कोई नंबर लिखा है, और उस नंबर के बाद जो संख्याएं शुरू होती है तो इसके लास्ट में कितने जीरो है, 24 जीरो, ऐसे ऐसे लिखे। जब दोनों को हम ऐड करेंगे, जैसे एक एग्जांपल देखो, अगर लिखा है 5000 और प्लस 500, दोनों को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करोगे, पहले लिखोगे 5000 और प्लस 500, तो ऐड कर दो तो कितने मतलब इसका कितना क्या हो गया, 5500। तो अब अगर यहाँ ध्यान से देखो, संख्या के लास्ट में कितने जीरो है, 2 जीरो है। अगर हम कहें 100 और प्लस 10 को ऐड कर दो तो आप कहोगे 110, तो संख्या के अंत में कितने जीरो है, 1 जीरो आया। अगर हम कहें भी 10 और प्लस 5 को ऐड कर दो तो आप कहोगे 15, संख्या के अंत में 1 भी जीरो नहीं। इसका मतलब है कि अगर इस टाइप में संख्याओं में जोड़ना है तो वो जीरो संख्या के लास्ट में बचते हैं जिनके पास कम जीरो होते हैं, यानी छोटा। जैसे कि देखो, इसको हमने ऐड करने के लिए कहा तो संख्या के लास्ट में 2 जीरो, यानी कि 500 यहाँ छोटी संख्या थी, उसके पास 2 जीरो थे, तो यहाँ 2 बचेंगे। 100 110 में इसके पास 1 जीरो था, तो लास्ट में 1 जीरो बचे। यहाँ पर ये संख्या छोटी है और उसके पास 1 भी जीरो नहीं दिया, 1 भी जीरो नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बात कही कि ये जो संख्या बनी इसके पास 12 जीरो, ये संख्या बनी इसके पास 24 जीरो, जब दोनों को जोड़ेंगे तो वो जीरो संख्या के लास्ट में बचेंगे जिस संख्या के पास कम जीरो होते। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 12 जीरो, संख्या के लास्ट में 12 जीरो। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, जीरो मतलब काउंटिंग ऑफ जीरो जो है उसका नेक्स्ट पार्ट फिर अगले वीडियो में बनाते हैं। फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और इस समय जो देश में भाई बड़ा डरावना माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है, तो हम लोगों को अब साफ सफाई बनाए रखना चाहिए, जैसा कि विशेषज्ञ डॉक्टर पैनल्स, अब बार बार हाथ धुलिए, ये करिए, तो सब लोग ध्यान दीजिए।
और प्रे कीजिए कि इस महामारी से पूरे वर्ल्ड को जल्दी से जल्दी सफलता मिले। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।